नमस्कार। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। ऐसे ऐनक, क्या होता है ऐसे ऐनक, ठीक है। और ए की मात्रा का अभिनय कैसे होता है, ये मुट्ठी ली मैंने, यहाँ ऊपर लगाई और ऊपर दो, क्योंकि दो मात्राएं लगेंगी। ए में एक मात्रा लगती थी, अभिनय ऐसे हुआ। ए में दो मात्राएं लगेंगी, अभिनय ऐसे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्यंजन पर ए की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है और उच्चारण कैसे करते हैं। ये है ए और ये है इसकी मात्रा, क्या बोलेंगे इसको, ए, ठीक। अब देखो का पे ए की मात्रा का प्रयोग होगा तो बनेगा कै, खा पर ए की मात्रा का प्रयोग हुआ तो बना खै, गए घे। अंगा पर ए की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। चा में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ चे, छे, जय, झे। यहाँ पर ए की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। टा पर ए की मात्रा का प्रयोग हुआ टे, ठे, डे, ढे, ढे, टे, ठे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, से, से, है, छे, त्रे, गए और श्रे। चलिए बच्चों एक बार पुनः देखते हैं। कए, खे, गए, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, डे, ते, ठे, डे, ढे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे, छे, त्रे, गे और श्रे। चलिए बच्चों अब हम करते हैं ए की मात्रा की गतिविधि। देखिए मैंने माचिस की तीली के माध्यम से ए की मात्रा को बनाया है। अब हम व्यंजन लगाकर इस पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ल पर ए की मात्रा लगी तो क्या बन गया, ले। जा पर ए की मात्रा लगी तो क्या बन गया, जय। फिर ना पर ए की मात्रा लगी तो क्या बन गया, ने। का पर ए की मात्रा लगी तो कै। अब देखिए माँ पर ए की मात्रा लगी बना मैं और च, मैच। फिर देखिए बा पर ए की मात्रा लगी तो बना बैर, बैर। फिर देखिए पा पर ए की मात्रा लगी तो बना पैर, पैर। आप
को भी इसी तरह दो शब्दों पर ए की मात्रा में माचिस की तीली लगाकर मुझे दिखाना है।